कोरोना महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन घोषित करने के बाद परेशान लोगों की मदद के लिए भारतीय जनता पार्टी की नगर कार्यकारिणी ने अभियान तेज कर दिया है। भाजपा के नगर अध्यक्ष रमेश तिवारी व महामंत्री कैलाश जोशी के नेतृत्व में मोदी रसोई में प्रतिदिन सैकड़ों लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। बाद में तैयार भोजन गरीब, असहाय व मजदूर वर्ग में वितरित कर दिया जाता है। बीते 10 दिनों से लगातार जरूरतमंदों के लिए भोजन तैयार कर वितरित किया जा रहा है। भाजपा के नगर अध्यक्ष रमेश तिवारी व महामंत्री कैलाश जोशी बताते हैं कि आने वाले दिनों में भी लॉकडाउन अवधि बढ़ने पर जरूरतमंदों को राशन वितरण का कार्य चलता रहेगा। ये मोदी जी की प्रेरणा से और इसमें भारत माता के ऊपर आए हुए संकट के कारण कई असहाय गरीब और मजदूर तबके के लोग जिन्हें किसी तरह जिनके पास ना गैस सिलेंडर होता है ना किसी तरह वो खाना बनाने में जिन्हें परेशानी होती हैं उन्हें हम वहीं पर मौके में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ से हमारी टीम जाती है जिसकी हमने प्रशासन द्वारा विधिवत रूप से अनुमति ली हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर वगैरह सुरक्षा मानकों का ध्यान में रखते हुए हम इसको उन्हीं लोकेशनों में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो हमारा मोदी जी का मोदी किचन चल रहा है और इसमें हम मोदी टिफिन बना रहे हैं, तो जो गरीब, असहाय और भारी मजदूर हैं उनके लिए हम ये खाना भोजन बना के फिर उनको बांट रहे हैं। कुछ लोग हमारे 3-4 लोग जाते हैं इसमें बांटने के लिए, अलग अलग टुकड़ियां हैं और अलग अलग जगह पर उनको बांटते हैं राशन। इसमें पहले तो हमारे कैलाश चंद गढ़िया जी हैं बिलोनी के, उनके द्वारा हुआ था। उसके बाद फिर हमारे गणेश दत्त ये पतंजलि योग समिति के सदस्य हैं, उनके आजीवन सदस्य हैं, उनके द्वारा किया गया। और अब यहाँ ये जीत नगर की पूरी जो जनता है इसके द्वारा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है और उनके द्वारा यहाँ पर सहयोग किया जा रहा है। ये सर हमारा मोदी किचन के उपलक्ष्य में ये जो गरीब असहाय लोग जो हैं उनको खाना देने का जो है हमारे जो है सभी जनता यहाँ मंडल शेरा जीत नगर के सभी हमारे भूतपूर्व सैनिक टीचर्स जो भी लोग हैं इसमें हमको बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, जो कि हमने ये 1 तारीख से ये मुहिम चलाई और ये कैलाश चंद जोशी के घर के पास ये इसका जो है प्रोग्राम किया है। ये लॉकडाउन अभी कब तक चलेगा सर? अभी तो हमने 4 तारीख है, आगे को अगर जैसे हमको प्रशासन से आदेश मिलेगा वहाँ से हमने इसकी जो है स्वीकृति ली है, आगे को जो भी इस कार्यक्रम में हमको ये कार्य करना होगा तो वहीं से हम इजाज़त लेके आगे को बढ़ाएंगे। राशन की अभी कोई दिक्कत नहीं सर, हमारे जो भी साथी लोग हैं मंडल शेरा जीत नगर के सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं सर। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।